हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये स्प्राउटेड का सैलड बनाना बता रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको ये स्प्राउट बनाना बताया कि किस तरह से हम ये दालों का स्प्राउट बनाएंगे। और आजकल फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो खाना भी थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो हम कुछ हल्का फुल्का भी खा सकते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और ये वेट लॉस के लिए भी मदद करता है। तो चलिए हम सैलेड बनाना सीखते हैं। स्प्राउटेड चना लिए हैं और ये स्प्राउटेड मूंग दाल है। तो आप इसको थोड़ा सा बॉईल भी कर सकते हैं या फिर इसी तरह से कच्चा भी बना सकते हैं। तो इसको लेंगे और हम इन चीज़ों को लेंगे सैलेड बनाने के लिए। मैंने खीरा लिया है, खीरा को छोटा छोटा चॉप कर लिया है। प्याज है, प्याज भी ऐसे छोटा चॉप कर लेंगे। टमाटर, इसको भी, सारी चीज़ों को हम ऐसे छोटा छोटा काटेंगे। और ये हरी मिर्च, हरी धनिया, नींबू, चाट मसाला, सफ़ेद नमक, काला नमक और लाल मिर्च। आप इसमें से जो कुछ भी स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर लाल मिर्च तीखा कम खाते हैं आप तो लाल मिर्च कम डालिए या फिर ना डालिए, क्योंकि हरी मिर्च हम डाल ही रहे हैं। और अगर प्याज टमाटर जो खाना चाहते हैं तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। तो ये इसको हम ऐसे बना के रख सकते हैं 2 दिन के लिए फ्रिज में, ऐसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। हम एक बाउल लेंगे और बाउल में ये हम चने को और मूंग दाल को ले लेंगे। आप बॉईल लेना चाहें तो हल्का सा बॉईल भी कर सकते हैं, हल्का सा नमक डाल के बॉईल कर लीजिए। तो ये मैंने बराबर बराबर मात्रा में ले लिया है, या आप कम ज़्यादा जो भी आपको ज़्यादा चाहिए हो इसमें ज़्यादा डाल लीजिए, जो कम चाहिए हो कम डाल लीजिए। और इसके साथ में हम प्याज, आप अपने टेस्ट के अनुसार सारी चीज़ें डालिए, खीरा और टमाटर, हरी धनिया और हरी मिर्च, थोड़ा चाट मसाला, सफ़ेद नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर हल्का सा। अब नींबू डाल के हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें आप उबले हुए आलू भी छोटे छोटे काट के डाल सकते हैं। ये मिक्स हो गया है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है। हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा सेव भी डाल सकते हैं इस तरह से, और भी टेस्टी बन जाएगा। तो ये मैंने देखिए चाट की तरह से ऐसे दोने में सर्व किया है, और ऊपर से और थोड़ा सा धनिया और प्याज जो भी आपको डालना है ऊपर से थोड़ा थोड़ा और डाल देंगे। तो ये देखिए, आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।